तो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सिटी में आ चुका है मिस्टर मीट। और आज हम लोग मिस्टर मीट से फाइट करने जा रहे हैं उन दो दोस्तों की मदद से जो कि इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। यार बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे, लंच टाइम हो चुका है, सारा काम मेरा खत्म हो चुका है, चलो फिर पेट पूजा चालू करते हैं। बट यहाँ पर ये क्या है भाई, कटोरी पूरी खाली कैसे? यार मेरे पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं क्या भाई, मुझे बाहर से कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा। इतनी कड़क धूप में यार, इतनी दोपहर में किसने अभी दुकान खोल के रखी होगी, क्योंकि आपको तो पता है हमारे शहर में शॉप्स है नहीं, तो इसलिए हमारे शहर में लोग ठेले लगा लेते हैं और उनसे हम लोग खाना खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बट यहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन एक दुकान दिख रही है मुझे सामने। ओके भाई, मिस्टर मीट, ये दुकान तो शायद आज पहली बार देख रहा हूँ मैं, लगता है किसी ने नई खोली है मिस्टर मीट। बट यहाँ पर भैया कहाँ पर है यार, कोई है क्यों नहीं आसपास? है कौन भाई बेचने वाला? टॉयलेट करने तो नहीं गए? अच्छा आ गया भाई, कहाँ गए थे यार, ये तो खतरनाक लग रहा है भाई, बॉडी बिल्डर भाई। यार एक बर्गर खिला दो मस्त सा। तो मैंने ये मिस्टर मीट वाले भैया से एक बर्गर ले लिया जो कि काफी डिलीशियस लग रहा है देखने में, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा हुआ है। चलो तो मैंने बर्गर ले लिया है, इसको घर पे जाके आराम से खाऊंगा भाई बैठ के। तो घर आ चुके हैं हम लोग, बर्गर काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है भाई, जल्दी चालू करते। भाई ये स्मेल कैसी आ रही है, एक सेकंड, ये बर्गर में से तो यार बहुत खतरनाक स्मेल आ रही है, वहां पे तो नहीं आ रही थी जब फ्रेश था ये। यहाँ पे यार देखो, मैंने ना सारी चीजें इसकी निकाल दी है, देखो पत्तियां डली है और टमाटर डले हैं भाई, लेकिन बदबू कहाँ से आ रही है भाई, एक सेकंड, ये क्या है, ये चीज क्या है बंस के अंदर? यार मुझे यही है ना, कुछ गलत लग रही है, इसमें से बहुत खतरनाक स्मेल आ रही है। यार मेरा तो सच में मूड ही उतर गया भाई, इतनी खतरनाक स्मेल आ रही है, मैं नहीं खा रहा, मैं टीवी देख रहा हूँ जाके। अबे ये तो वही है जिसके यहाँ से मैं बर्गर लाया था, ये क्यों न्यूज में आ रहा है? ओ तेरी, ये मिस्टर मीट है, मिस्टर मीट भाई, मैं तभी सोचू इसको कहाँ देखा देखा लग रहा था भाई, ये कपड़े बदल के आ गया है, ये तो बहुत डेंजरस विलन है। और इसने जितनों को भी ये बर्गर बेचा है ना, सबके सब भाई पिग बन चुके हैं। अच्छा हुआ भाई मैंने ये बर्गर नहीं खाया, यार इतना क्लोज था मैं बर्गर खाने के। यार इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने इतना खराब बर्गर बेचा है हम सबको, यार ये करना क्या चाहता है, हमारे शहर में क्यों आया है? मैं जल्दी से जाके इसको उड़ा देता हूँ भाई, कहाँ है ये, इसी चौराहे पे था ना वो, अरे ये कहाँ चला गया भाई, ये तो निकल लिया अपना ठेला लेके। यार भाई ये बहुत तेज आदमी, ये पता नहीं देखो भाग चुका है, यहाँ पर इसने बर्गर बेचा अच्छे से, बहुत लोगों को पिक बनाया और फिर यहाँ से निकल गया। मुझे जल्दी से जाके पुलिस वालों को बताना चाहिए कि मैंने अभी अभी इसको यहीं पे देखा है, तो शायद वो लोग फिर जल्दी पकड़ पाए इसको। मैं आ चुका हूँ स्टेशन पे, यार आज तो गार्ड भी नहीं खड़े यार स्टेशन में, स्टेशन के अंदर भी कोई नहीं है, कहाँ गए ये लोग, कोई है ही नहीं स्टेशन में, सारे पुलिस वाले चले कहाँ गए? ये क्या भाई, ये तो पुलिस वाले लग रहे हैं मुझे, इनकी टोपी और चश्मा, अरे भाई ये तो पुलिस वाले हैं, ये लोग भी सुअर बन गए क्या? ये क्या किया मिस्टर मीट ने, इन लोग को भी बर्गर खिला दिया? अरे यार ये क्या हो रहा है, इस शहर में सबके सब भाई सुअर बन चुके हैं क्या, ये गाड़ी भी सुअर तो नहीं चला रहा? एक साइंटिस्ट को मैं जानता तो हूँ, उनका कॉन्टेक्ट कहाँ है? ये रहा भाई, मिल गया, ये जुरासिक पार्क में क्या कर रहे हैं अभी? चलो मैं जाता हूँ इनसे मिलने जल्दी से यार, इससे पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। ये हमारे शहर के बहुत खतरनाक साइंटिस्ट हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है इनके पास जरूर से इलाज होगा इस हैमबर्गर को रिवर्स करने का, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इनके पास, कुछ ये बताएंगे और हम वो चीज करेंगे, मिस्टर मीट को हम लोग यहाँ से भगा के रहेंगे। लेकिन ये जुरासिक पार्क में पता नहीं क्या डायनासोर के अंडों पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी अच्छी जगह पे आए हैं ना ये कि डायनासोर इनको छोड़ेंगे नहीं, मुझे मिल ही नहीं रही। और लो जो नहीं मिलना था वो जरूर मिल गया, यार अब जल्दी से उतर के इस डायनासोर को मारो, नहीं तो मैं गया भाई, ये तो सीधा मेरी तरफ आ रहा है, तेजी में भाई जल्दी मार जल्दी मार, अरे 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 गया भाई, मार दिया मैंने एक डायनासोर को मार दिया, इससे पहले दूसरा कोई आया भाई, जल्दी ढूंढो इनको, कहाँ है ये साइंटिस्ट, फाइनली मिल ही चुके हैं भाई, ये कर क्या रहे सर? हेलो हेलो सर, क्या कर रहे हो? हेलो, अबे सर बहरा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा? अरे उधर मिस्टर मीट आ चुका है, आप यहाँ क्या रिसर्च कर रहे हो भाई अंडों पे, चलो जल्दी।
तो मुझे इन सर ने बताया कि ये एक ऐसा फॉर्मूला बना तो देंगे जहां पर जो पिग्स है वो नॉर्मल हो जाएंगे, बट उसके लिए इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक के लिए मुझे एक लड़की को लेके आना है जिसका नाम है रेबेका, उससे मुझे जाके मिलना है और उसको सर के पास पहुंचाना है क्योंकि वो मिस्टर मीड को थोड़ा जानती है। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ जल्दी से उस रेबेका की तलाश में, क्योंकि मिस्टर मीड के उससे कुछ पुराने रिलेशन है तो वो हमें अच्छे से गाइड कर पाएगी। उसकी फोटो मुझे भेज दी है साइंटिस्ट ने। और ये, अबे ये तो बच्ची है, ये कंस्ट्रक्शन एरिया में। ठीक है कोई नहीं, मैं जाता हूँ मिलता हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा ये बच्ची कैसे जानती है मिस्टर मीट को। तो रेबेका से मैं मिल लिया हूँ, इसको मैंने बोल दिया है साइंटिस्ट सर से मिलने के लिए। मैं चलता हूँ जल्दी अपने अगले टास्क पे, जो कि मुझे साइंटिस्ट सर ने बोला था कि मुझे यार मिस्टर मीट की कार ढूंढनी है। उसके पास एक वैन है जिससे वो शायद अभी घूम रहा होगा। उसकी उनने मुझे फोटो भी दिखाई थी, व्हाइट कलर की वैन थी। तो मुझे जैसे ही वो दिख जाती है मुझे साइंटिस्ट सर को कॉल कर देना है। अरे वो क्या है दूर, ओके शायद से मुझे मिल चुकी है भाई मिस्टर मीट की वैन। तो ये रही, जल्दी से बुलाता हूँ उन्हें। तो साइंटिस्ट और रेबेका यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन मिस्टर मीट यहाँ पर नहीं है और इसकी वैन भी खुली हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैन जहाँ पे देख रही है ना, मुझे लग रहा है शायद मिस्टर मीट वहीं पे कहीं पे रह रहा है। तो उसी डायरेक्शन में जाता हूँ और मिस्टर मीट के पास जाके भाई मुझे इन लोग को बुलाना है। ये अभी जा रहे हैं केमिकल लेने के लिए, जो कि साइंटिस्ट सर ने बना दिया है। रेबेका और सर जाके वो केमिकल लेके आएंगे, मैं जब तक पहुँचता हूँ। फाइनली मिल चुका है मुझे मिस्टर मीट का इलाका। जगह तो मुझे यही लग रही है क्योंकि यहाँ पर वही ठेला लगा हुआ है जो कि मैंने देखा था। यार ये साइंटिस्ट सर का तो कॉल ही नहीं लग रहा, मैं कब से लगा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया यार वो रेबेका। एक काम करता हूँ मैं ही अंदर जाता हूँ क्योंकि वरना लेट हो जाएगा। मुझे लग रहा है मिस्टर मीट अभी घर पे है नहीं क्योंकि इसका गेट भी ना खुला हुआ है। थोड़ा सा मैं इधर उधर देखता हूँ, शायद से मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ से हम लोग को पता चल जाए कि ये कर क्या रहा है भाई, और इसको हम रोक लें। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, ये पता नहीं क्या है, शेड वगैरह है। इधर जाके देखता हूँ। वैसे घर इसने ना कुछ अजीब सा तो बनाया हुआ है, ये देखो गराज नीचे। इसके घर के अंदर मैं आ चुका हूँ और घर पूरा टूटा पड़ा हुआ है भाई। क्या घर है ये, कुछ तो अजीब सी चीजें हैं यार यहाँ पे। किचन तो नॉर्मल ही लग रहा है मुझे। फोटोज, मिस्टर मीट की फोटोज भाई। इसकी वाइफ है क्या, इसकी वाइफ की फोटोज पे स्क्रैच क्यों है? ये देखो इसकी वाइफ और इसकी लड़की की फोटोज पे स्क्रैच मार के रखे इसने, मतलब इसका कुछ तो लफड़ा हुआ था। और ये शायद इसके कान का एरिया है क्योंकि यहाँ पर ट्रक खड़ी है जिसपे मिस्टर मीट लिखा है और बहुत सारा भूसा रखा हुआ है, जहाँ पे मुझे लगता है ये पिग्स वगैरह पालता है। इधर एक गेट है नीला कलर का, ये क्या है भाई, ये तो अंडरग्राउंड जा रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पर और अंडरग्राउंड और इधर कुछ और है। यहाँ पर इसका पोस्टर भी लगा हुआ है भाई दुकान का। ये थोड़ी अजीब जगह नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। ये हॉस्पिटल का बेड यहाँ पर क्यों रखा हुआ है भाई, रुको एक सेकेंड अंदर चलते हैं। ये क्या है, ये तो कुछ खतरनाक है यार, ये करता क्या है यार, ये तो पूरा केमिकल प्रोसेस। अरे ये रेबेका नहीं, ये तो पिग है भाई, साइंटिस्ट। यार जब साइंटिस्ट और रेबेका केमिकल उठाने गए थे तो मिस्टर मीट ने इनको फॉलो किया और फिर इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे ले आया मेरे से पहले, और रेबेका को इसने पिग में बदलवा दिया साइंटिस्ट से जबरदस्ती। यार ये क्या हो गया यार, अब रेबेका को कैसे हम लोग नॉर्मल करेंगे? वैसे साइंटिस्ट के पास सॉल्यूशन तो है, बट हम लोग को इस मिस्टर मीट के चंगुल से निकलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करें सर, ये बताओ, हम लोग मतलब बाहर निकले, क्या हो गया सर? अरे यार ये कहाँ आ गया मैं, इन सुअरों के बीच भाई। मुझे आखिरी में याद है कि ये मिस्टर मीट हमारे पीछे आ गया था अचानक से भाई, इसने क्या किया साइंटिस्ट और रेबेका के साथ, उनको वहीं छोड़ दिया क्या, और ये मुझे कहाँ भेज दिया भाई? ये तो अलग ही एक जेल टाइप में लग रहा है यार, इधर बहुत सारे सुअर भी घूम रहे हैं। मुझे लग रहा है इसने इसके सुअरों के साथ मुझे डाल दिया है नेक्स्ट सुअर बनाने के लिए। मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा यार, यहाँ पर मुझे कोई सा कार्ड चाहिए। अच्छा ये पुलिस वाला था क्या पहले, इसको तो लग रहा है वहीं से उठाया हमारे पुलिस स्टेशन से। भाई इसका आईडी कार्ड निकाल के मुझे ले जाना पड़ेगा, तभी वो गेट खुलेगा। इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ कार्ड रीडर में। खुल गया खुल गया, ठीक है ओपन करो, चलते हैं बाहर भाई। ये कौन सी जगह पे ले आए भाई ये, और ये रात हो चुकी है पूरी यार, पता नहीं कितनी दूर ले आए ये मुझे।
कुछ प्रिजन टाइप का ही है ये पक्के में। यहाँ से मुझे भागना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिस्टर मीट को मारना पड़ेगा यार। उसके पास ही चाबी होगी, वैन भी मुझे लगता है यहीं कहीं होगी, वैन में लाया होगा, क्योंकि मुझे लग तो रहा था कि मैं किसी वैन के अंदर से आ रहा हूँ। अरे भाई मिस्टर मीट दिख गया मुझे भाई, ये उल्टा खड़ा है। इसको मैं जल्दी स्टन कर देता हूँ, मेरे पास रखी हुई है एक गन। रुक जा थोड़ी देर। अरे यार देख लिया, नहीं ओह कर दिया मैंने, मिस्टर मीट को मैंने स्टन कर दिया। इसकी शॉटगन उठाओ भाई, पहले तो उठाओ, उठ भाई जल्दी उठ, तो फिर तुझे मारता हूँ मैं, निकलता हूँ यहाँ से जल्दी। वैन भी दिख गई मुझे, वहाँ पे खड़ी है, ये उठेगा अभी, फिर मैं इसको मार दूंगा। वो आ गया, होश में आ गया ये। अरे क्या हो गया, अबे गोली क्यों निकल रही, अबे क्या हो गया, ओहो बच गया भाई, गोली नहीं चल रही थी। चलो ये गया, अब मैं जल्दी से निकलता हूँ, ये खड़ी है वैन, इससे वापस। तो मैं आ चुका हूँ वापस, यहीं पे साइंटिस्ट और रेबेका है। तो साइंटिस्ट सर ने एक सोल्यूशन बना दिया जिससे कि रेबेका ठीक हो जाएगी, और हमारी रेबेका वापस आ गई। चलो अब जल्दी से निकलते हैं इस जगह से। तो फाइनली हम लोग मिस्टर मीट के चंगुल से बाहर आ चुके हैं। तो मैं उतर चुका हूँ यहाँ पे, साइंटिस्ट सर जा रहे हैं रेबेका को छोड़ने, मेरी बाइक यहाँ पर है, मैं निकलता हूँ अपने घर। मैं अपनी बाइक यहाँ पर पार्क करके गया था, चलो यहीं पे रखी हुई है, किसी ने उठाई नहीं, और भाई मिस्टर मीट को हमने खत्म कर दिया है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी मजेदार इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट जरूर करना आगे आपको कौन सी वीडियोस देखनी है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी पिछली वीडियो आपको देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।